जी हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। एमपी के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से हालात पहले ही खराब है। बारिश से नदियां और नाले उफान पर है। खतरे को देखते हुए इंदौर, रतलाम, उज्जैन में 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। बारिश और उससे आई मुसीबत के चलते देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश और गुजरात में तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। वहीं यूपी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। विशेषकर एमपी के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। बारिश से नदियां और नाले उफान पर है। खतरे को देखते हुए इंदौर, रतलाम और उज्जैन में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और बारिश और उससे आई मुसीबत के चलते देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश और गुजरात में तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। बारिश इतनी, सांसें अटकी। कुदरत का प्रहार मचा हाहाकार। शहर शहर सैलाब का कहर। आसमान से बरस रही बूंदों ने तबाही की ऐसी प्लानिंग की है मानो ये बूंदें सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी। ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून ने सेकंड शिफ्ट शुरू कर दी है। अगस्त में जितनी बारिश हुई उसके बाद कुछ दिनों की राहत मिली थी, लेकिन अब सितंबर में एक बार फिर तबाही की आहट सुनाई देने लगी है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में उफनती नदियों ने जैसे जमीन का वजूद ही खत्म कर दिया है। शिप्रा नदी उफान पर है और बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। हालात ये हैं कि लोगों की मदद के लिए अब वायु सेना को बुलाया गया है। घरों में पानी भरने के बाद लोग घरों की छत पर चढ़ गए थे, जिसके बाद सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें रेस्क्यू किया गया। खरगोन से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का पानी महेश्वर में मां अहिल्या के किले में घुस गया। खतरे को देखते हुए SDRF और NDRF ने मोर्चा संभाला और मंदिर के पास बसे लोगों को नाव से रेस्क्यू किया। वहीं अब स्मार्ट सिटी इंदौर की तस्वीर देखिए। मूसलाधार बारिश ने यहां 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंदौर में पिछले 36 घंटे में जो तस्वीरें देखी है वह पिछले 60 साल में कभी नहीं देखी। दरअसल इंदौर में पिछले 36 घंटे से जो बारिश का सिलसिला जारी हुआ है उसने पिछले 61 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पिछले 36 घंटे में यहां पर रिकॉर्ड तोड़ 13 इंची बारिश हुई है। और इस सीजन की बात करते हैं तो इस सीजन में इंदौर में लगभग 45 इंची बारिश हो चुकी है, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों में उफान आने के बाद 10 डैमों के गेट खोलने पड़े, जिसके चलते रतलाम और धार जिले के निचले इलाकों में बनी बस्तियों में पानी भरने लगा। मौजूदा मॉनसून पैटर्न को देखते हुए मौसम विभाग ने एमपी के कई जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर जिले में भारी बारिश